हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज परमार और मेरा चैनल नो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गियर साइकिल की चेन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी साइकिल की आप चेन कैसे ठीक कर पाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और साथ ही में घंटों को भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियो को घंटों भी मिस ना कर सके। सो फ्रेंड्स, ये साइकिल है गेम की और इसके अंदर मैंने गियर्स इंस्टॉल किए थे। ये सन क्रॉस का ही है, कुछ भी साल भर हो गया इनको, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये जो चेन है लूज बहुत हो गई है और थोड़ी बहुत उतरती भी है। मैं अभी इसे चढ़ाता हूँ। तो ये चेन है और ये बहुत ज़्यादा लूज है, जब साइकिल चलती है तो कहीं गड्ढा वगैरह आ जाता है तो ये ऐसे हिलती है बार बार और यहाँ से निकल जाती है जिससे चेन उतर जाती है। तो मैं आज इसी के ऊपर बताऊंगा कि आप ऐसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं साइकिल को उल्टी पलटा लेता हूँ, मतलब कि तो हमने साइकिल पलटानी है और अब हमें इसे ढीला करना होगा, ये बहुत लूज हो गया है। जी हाँ, तो पहले हम इसे खोल लेते हैं। ये इसमें 14-15 इंच पाना लगता है ये वाला। कल इसी तरीके से हम इसी को भी ढीला कर देंगे। और ये जो है यहाँ पर हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से पकड़ना है और ये देख सकते हैं आप, इसे थोड़ा कुछ इस तरीके से घुमाना होगा जिससे कि ये टाइट हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। और फिर से इसे कस देना है। जिस तरीके से तो जिससे आपकी ये जो चेन है जितनी लूज होती थी उतनी अब नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। और वैसे भी ये इस गियर पे है, सेकंड गियर पे, तो इस पर तो थोड़ी लूज होगी, इस पर टाइट हो जाएगी। तो जितनी होनी थी उससे ये टाइट हो गई है, तो हमने ये तो कर दिया है। अब हमें इसकी सेटिंग फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि तो जब मैंने इसे हाथ लगाया तो इसकी सेटिंग बिल्कुल बिगड़ गई है। अब तो हमें फिर से इसे सही सेट करना होगा। चलिए सेट करते हैं। इसके लिए मुझे साइकिल को सीधी करना होगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने इसे सीधी कर दिया साइकिल को। और अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसकी सेटिंग बिगड़ चुकी होती है। जी हाँ, पूरी तरह से बिगड़ जाती है, मतलब कि ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। जब हम चेंज करते हैं गियर्स लगाते हैं शिफ्टर से तो ये कभी कम ज़्यादा होता है। तो चेक करते हैं। देख सकते हैं, जैसे ही मैंने व्हील चलाया तो इसकी जो चेन है ये इस साइड में उतर गई है। तो हमें इसका मतलब कि इसे थोड़ा सा टाइट करना होगा, हमें ढीला है ये। बस, और फिर से चेक करते हैं, और फिर से हम चेक करते हैं इसे। फिर उतर गई, मतलब कि मुझे लगता है इसका वायर ढीला हो गया है, थोड़ा सा और टाइट करता हूँ मैं। अभी हम इन दोनों स्क्रू को कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने इसे अभी से पूरा टाइट कर दिया। तो ये अब नहीं उतर रही है। और अब हमने थोड़ा शिफ्टर को मैं गियर लगा के देखता हूँ थोड़ा। तो आपने देखा कि इस साइकिल में तो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ सेटिंग बिगड़ी नहीं है। और ये जो आप देख सकते हैं ये चेन भी बहुत टाइट हो गई है, ये ज़्यादा लूज नहीं है, इतनी तो चलेगी। अभी मैं दिखाता हूँ।
देख सकते हैं कि ये कितनी टाइट हो गई है। पहले कुछ भी हिलाता था तो बहुत बहुत ज़्यादा हिल जाती थी, लेकिन अब ये ज़्यादा ढीली नहीं, ये टाइट हो गई है। तो इस तरह के से तो इसी तरह से आप भी इसे कर सकते हैं। और एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि आप नॉर्मल साइकिल में गियर्स इंस्टॉल करते हो तो जब यह इस पर या इस लास्ट वाले पर जब चेन आती है, शिफ्ट होती है, तो इधर आगे से चेन उतर जाती है। तो उसके लिए भी एक कंडीशन है, वो क्या है कि ये जो एक पत्ती रहती है चेन कवर की, इसे हम मोड़ देते हैं। ये जो पत्ती रहती है, अगर नहीं हो तो आप लगा लीजिएगा चेन कवर की मार्केट से लाकर, और कुछ इसे इस तरह से मोड़ दीजिए प्लायर की मदद से, ये कुछ राउंड शेप में। ऐसे ही ये नीचे वाली भी, ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ लॉक कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सड़ रहा है तो इससे हम थोड़ा सा उधर दबा देंगे। नीचे भी यही समस्या आ रही है, ये थोड़ा सा चेन पे टच हो रहा है, थोड़ा सा ओपन कर देंगे और चेक करते हैं। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल बिल्कुल ये फ्री हो गई है। तो अगर कुछ ऐसी समस्या आती है तो इसे आपको यहाँ पर रखना होगा थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा हो गई। बस यहाँ पर तो जैसे ही यहाँ चेन आगे चलती है तो इधर उधर फ्लिप नहीं होगी ऐसे आइट साइड में। वैसे एक स्ट्रेट पत्ती आती है यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी, ये थोड़ी सी राउंड शेप में है। तो कोशिश करिएगा कि आप वो वाली पत्ती लगा लीजिए इसमें अगर नहीं हो तो, जिससे आपकी चेन बार बार उतरेगी नहीं। ये एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है चेन उतरने का। और अब हम चेक करते हैं चेन पे ये चला के, इसमें थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो हम इसे प्लायर से सही कर लेंगे। ये भी ज़्यादा फ्लिप नहीं होती है, देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं हिलती है। ये बस यही था। और ये चेन ज़्यादा आपकी फ्लिप कब होती है, जब आप अपनी साइकिल को गड्ढे में या फिर कहीं में कूदाते हो, मतलब कि उसे उठाते हो, कुछ करते हो फ्लिप वगैरह, तो उससे चेन बार बार उन्हें से हिलेगी और उतर जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब गड्ढे में आप साइकिल चला तो ये जो गियर रहेगा सबसे ऊपर वाला, मतलब जो सबसे लास्ट वाला रहता है, इस वाले गियर पर आप चलाओगे तो चेन ज़्यादा ये फ्लिप नहीं होगी, हिलेगी नहीं और उतरेगी नहीं। और गड्ढे में थोड़ी सावधानी से साइकिल चलाएंगे तो भी चेन नहीं उतरेगी। बस यही कुछ इसकी सेटिंग थी। और भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए मुझसे, मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में।